आज का तो नहीं बोला वो यहाँ से आज आप हम भेजेंगे मैंने कन्फर्म किया तो कल आपको बोले थे ना कि सुबह चंपा जैसे आपको कन्फर्म किया आएगा तो फोन करेंगे यहाँ सब किट वितरण का सब कार्यक्रम चल रहा है सब लोग सभी लोग सब करियाना सब पैक कर रहे हैं। ये भरत पाटिया रोड है घाट की वाड़ी में सब सभी सेवार्थी लोग काम कर रहे हैं। मैं नंद किशोर शर्मा राजकीय संसद समाज के साथ रह करके और सेवा कार्यों में अग्रसर रहता हूँ। इसी भावना को ध्यान में रखकर के जब 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की तो पहले दिन से ही हमने टीआरपी और ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं उनके लिए दोपहर के भोजन के पैकेट बना करके वो शुरू किया वो आज तक हमारा चल रहा है। उसी दिन हम माननीय कलेक्टर साहब और म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब से मिले। कलेक्टर साहब से मिलते समय उन्होंने हमको जानकारी दी कि भाई उनके पास राशन है कार्ड है तो उनको तो सरकार की ओर से फ्री में राशन मिलने वाला है लेकिन सूरत में हजारों की संख्या में ऐसे लोग भी हैं और ऐसे मजदूर वर्ग हैं इंडस्ट्रियल विस्तार में जिनके ऐसे लोगों को ध्यान में रख करके कुछ न कुछ उनको दो समय के भोजन की व्यवस्था हो ऐसा कुछ काम करना चाहिए। इसलिए माननीय कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन के अनुसार हम संघ के कार्यकर्ताओं ने मिल करके और उनको एक 10 दिन का दोनों समय का भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके ऐसा एक किट बना करके देना ऐसा शुरू किया। राजसभा की वाड़ी परत पाटिया में से ये काम हमने शुरू किया। पहले 1000 पैकेट से हमने ये काम शुरू किया और अभी जैसे जैसे हमारे कार्यकर्ता सूरत में हमारी 200 शाखाएँ हैं और सभी जोन में हमारे कार्यकर्ता है और एक बड़ा नेटवर्क ऐसा कह सकते हैं कि कॉरपोरेशन सरकार के पास हमारे संघ के पास है जो हर विस्तार में सर्वे करते हैं पहले कहाँ ऐसे मजदूर रहते हैं और किसको किस प्रकार की आवश्यकता है नहीं है और उस सर्वे के बाद वो जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर हमारे कार्यकर्ता उनको किट बांटने जाते हैं। अन्य सर्वे से संक्रांत को भी हम किस प्रकार के काम कर रही है उनको भी हम बताते हैं। आज नब्बे 6 केंद्र हमारे वितरण के चल रहे हैं उनमें से 3 केंद्र पर ऐसे किट बनाने का काम भी चल रहा है। यहाँ करीब 3000 किट रोज बनते हैं रोड बन जाते हैं। ऐसे में रूमता शॉपिंग सेंटर है वहाँ 1500 किट बनते हैं रोज और ऐसे ही कतार गांव में भी किट बनाने का अभियान शुरू किया है। करीब 5000 किट रोज बनते हैं और रोज रिटर्न हो जाते हैं। इस पूरे कार्य में संघ और संघ विचार के हमारे जो अन्य संगठन हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी है विश्व हिंदू परिषद है विद्यार्थी परिषद है प्रवासी कल्याण आश्रम है इस प्रकार के जो विद्या भारती है जैसे सब संगठनों का भी और उनके कार्यकर्ताओं को साथ सहकार इस कार्य में हम लोग को मिला है। इसमें एक सम्मिलित शक्ति के माध्यम से हम इतने बड़े समाज के बीच में इस काम को पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। परिवार की भी अनुकूलता नहीं है फिर भी एक जो संघ की शाखाओं में उनको संस्कार मिलता है कि जब भी राष्ट्र पर आपत्ति आती है तो अपनी जान की परवाह किए बिना राष्ट्र के लिए हमको सब कुछ समर्पित करना है ये जो भाव शाखाओं के माध्यम से उन्हें आता है तो अपनी जान पे खेल के भी इस समय परिस्थिति में वो काम में लगे हैं। और हमारी 3 टुकड़ियाँ बनी हुई है। एक टुकड़ी है काम करने वाली वो सर्वे का काम करती है वो रोज सुबह से शाम सर्वे ही करती है अलग अलग विस्तार में जाकर के और शाम को आके हमारे केंद्रों पर रिपोर्ट देती है। एक टुकड़ी है कि वो सर्वे के आधार पर रिपोर्ट आती है तो यहाँ से उस विस्तार में जो किट वगैरह बनते हैं तो उन किटों को वितरण करने का काम करती है। और तो तीसरी टुकड़ी जो है जो ऐसे जो हमारे केंद्र है उन पर जो सारी व्यवस्था है किट बनाना है उनका संचालन करना है और वो सारी व्यवस्था सामान की खरीद वगैरह का भी काम है वो सारा काम करते हैं। हमने ये काम बांट करके और अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग काम सौंपा है तो हमारा काम सुचारू रूप से चल रहा है।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कोरोना वायरस पूरे समाज में नहीं फैले इसके लिए लॉकडाउन का आह्वान किया। संघ भी उनके इस आह्वान का समर्थन करता है और हमारे कार्यकर्ता भी जो प्रशासन की ओर से मापदंड तय किए हुए हैं, मास्क लगाना, ग्लव्स पहनना, सैनिटाइजर साथ में रखना, सोशल डिस्टेंस बना के रखना, वो सारे नियमों का पालन करते हुए सेवा काम कर रहे हैं। यानी सेवा के साथ सुरक्षा को भी वो प्राथमिकता देकर के काम कर रहे हैं। सूरत शहर के नागरिकों से मेरा यही एक आग्रह है कि इस समय पे संकट के समय में हम सोशल डिस्टेंसिंग को प्रशासन के द्वारा जो हमको दिशा निर्देश दिए हैं उन दिशा निर्देशों का पालन करें तो जल्द से जल्द इसमें से हमको छुटकारा मिल सकेगा। और दूसरी बात यह है कि किसी भी प्रकार से यहाँ इंडस्ट्रियल विस्तार ज़्यादा होने के कारण से मजदूर वर्ग बहुत बड़ी मात्रा में है और सरकार की ओर से भी जैसा हमने 1 तारीख से राशन वालों को मिलना शुरू हो गया है राशन, 4 तारीख से जिनके पास राशन कार्ड नहीं है ऐसे लोगों को भी सरकार की ओर से राशन की व्यवस्था मिलने वाली है और सूरत में 200 जितने स्वयंसेवी संगठन भी इस काम में लगे हैं। इसके कोई भी व्यक्ति भूखा सूरत में सोएगा ऐसी संभावना नहीं है। इसलिए मजदूर वर्गों से भी हमारा आग्रह है कि किसी के भी बहकाव में भड़काने में नहीं आवे, जो जहाँ पर है उसी स्थान पर टिके रहे। हमारे केंद्रों 6 केंद्र शहर में चल रहे हैं अलग अलग जोन में, उन केंद्रों का आप संपर्क करें। अन्य समाज से संगठन है उनका भी आप सहयोग संपर्क कर सकते हैं और कलेक्टर कचहरी, कमिश्नर कचहरी, वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी व्यवस्था आप जहाँ बैठे वहाँ पर होगी, प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएँ भी आप जहाँ बैठे आपके घर तक पहुँचेगी, आपको घर से निकलने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना वायरस की महामारी तंत्र अत्यार सुविधा એના અમલમાં આવી ગયા, પરંતુ રોજે રોજ લાવીને ખાનારી વ્યક્તિઓ એને બીપા જીવન પદ્ધતિની તકલીફ ઉપર થઈ અહીંયા આગળ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયાના કારણે જે જરૂરિયાત બંધો છે, બધું શબ્દ તો નહીં ઉપયોગ કરું, કારણ કે જરૂરિયાત બંધો જે છે એમને માટે પરિસ્થિતિ કફોડી થવા માંડી ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધારાસભ્યો કોર્પોરેટરો એને અમે આહ્વાન કર્યું કે આપ આપણા વિસ્તારમાં રસોડા ચાલુ કરો, તમારાથી શક્ય એટલી ચીજો બનાવો, સાથે સાથે તમારી વિચારધારા સાથે જોડાયેલ RSSના જોડે પણ અમે નક્કી કર્યું અને કોઈ પણ વસ્તુનું મિસમેનેજમેન્ટ નહીં થાય એટલે અમે આ સંસ્થા જોડે સાથે બેસીને અત્યારે અહીંયા આગળ કીટનું વિતરણની વ્યવસ્થા ગોઠવીએ છીએ, સર્વે પણ થાય છે અને એક જ વ્યક્તિને વધારેમાં વધારે કીટો પહોંચે અને એક વ્યક્તિ બાકી નહીં રહી જાય એવું નહીં બને, એટલે એક જ સેન્ટ્રલી એક ઠેકાણેથી આની વ્યવસ્થામાં અમે જોડાયા છીએ। સાથે સાથે શહેરમાં અસંખ્ય NGO સરકારી તંત્ર બધું જ કામે લાગ્યું છે, પરંતુ જરૂરિયાતમંદોને મારી વિનંતી છે કે તમે નજીકના સેન્ટરોમાં તપાસ કરો, તમને કોઈ પણ રીતે ભૂખ્યા રહેવાની પરિસ્થિતિ આવશે જ નહીં, ખાલી તપાસ કરીને ત્યાં જવાની જરૂરિયાત છે। કોરોનાની આ લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં ઘણા યોદ્ધાઓ આની સામે હાથ ભીડીને લડી રહ્યા છે, એને પરાસ્ત કરવાના પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, એ સૌ અભિનંદનને પાત્ર છે। બીજું પ્રજાજનોને મારી ખાસ વિનંતી છે કે આપણી એક ભૂલને કારણે આપણો શહેર, આપણો દેશ બરબાદ ન થાય એવા આપણા સૌના પ્રયત્નો હોવા જોઈએ। સાથે ફરી એક વખત અપીલ કે આજે જ પ્રધાનમંત્રીએ 5મી તારીખે રાત્રે 9 વાગે જે આપની પાસે 9 મિનિટનો સમય માંગ્યો છે, એ 9 મિનિટ આપણે આપણા ઘરના આંગણામાં અથવા તો ઘરની અગાસીમાં દીવા પ્રગટાવીને દેશ એક છે, કોરોનાને આપણે બતાવી દેવું પડે કે ભાઈ આ દેશ એક રાગીતાથી સારો સામનો કરવા માટે કટિબદ્ધ છે। એટલે એ સાથે જ કોરોનાની સામે આપણે જીતવું હશે તો આપણે સૌએ ઘરમાં રહેવું પડશે અને ઘરમાં રહેશું તો જ સુરક્ષિત રહેશું,
જે લોકો આને માટે કામ કરે છે એના સિવાયના બાકીના લોકોએ આ લોકડાઉનનો સંપૂર્ણ કડકપણે પાલન કરવું જોઈએ અને જે સૂત્ર છે કે ઘરમાં રહો સુરક્ષિત રહો તેનો આપણે અમલ કરવો જોઈએ.